नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। संत कबीर नगर में आपसी भाईचारे को कायम रखने के मकसद से खलीलाबाद नगर अध्यक्ष परवेज अहमद की तरफ से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें दलीय भावना से ऊपर उठकर लोगों ने रोजा इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। इस रोजा इफ्तार पार्टी में मुख्य रूप से सपा के पूर्व MLC संतोष यादव सनी और पूर्व विधायक जय चौबे सहित सामाजिक लोग शामिल हुए। ये हम लोगों का रमजान का महीना, जो हम लोग पाक मानते हैं, पूरे साल में सबसे पाक परवरदिगार का ये महीना है और ये बरकत का महीना है, और इसमें हम लोग रोज़ा रखते हैं, शाम को अफ्तार करते हैं। और इस अफ्तार की पार्टी से हमने जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम करने की एक मिसाल, एक कोशिश की है। इसमें हमारे जो अफ्तार पार्टी में समाजवादी पार्टी, भाजपा, बसपा, MIM सारे दल के लोग थे। ये दलीय भावना से ऊपर उठ के एक सामाजिक चेतना का एक कार्यक्रम था। जो है ये देश में, वतन में, ये जो रमज़ान का महीना है, खुशहाली का है, अमन चैन का है, इंसानियत का है, मानवता का है। हम सभी लोग यही है कि हमारा भारत देश तरक्की करे, हमारे हर धर्म के लोग, हर जात के लोग खुश रहें। ये हम लोग जो अपनी तरफ से लोगों में संदेश दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जो आपके मीडिया के लोग जान रहे हैं। और मीडिया अगर चौथा स्तंभ है, सही काम करे तो देश में, वतन में और अच्छी सद्भावना वाला वातावरण बने। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी अभिषेक सुरहेला ने कार्यभार ग्रहण करते ही सबसे पहले उत्तरकाशी स्थित जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय में OPD कक्ष, औषधि वितरण कक्ष, औषधि भंडार, ऑपरेशन थिएटर, ICU रूम, जनरल वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट आदि का निरीक्षण कर चिकित्सालय के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए चिकित्सालय में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त रखने के आदेश दिए हैं। आज जिला अस्पताल उत्तरकाशी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपातकाल में और जो हमारी स्लिप्स बनती हैं उनमें कर्मचारी पाए गए, डॉक्टर्स भी अपने राउंड पे थे। मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि आगामी यात्रा को देखते हुए दवाई आदि की आपूर्ति समय पे कर ली जाए, और जो भी व्यवस्थाओं में को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है उस विषय में हम आगे भी एक बैठक करेंगे। शाहजहाँपुर के तहसील जलालाबाद में पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने दौरा किया। उन्होंने जलालाबाद में भगवान श्री परशुराम की जन्मस्थली का निरीक्षण करते हुए उसे पर्यटन स्थल घोषित करने की घोषणा की है। इस घोषणा से जलालाबाद सहित समस्त जनपदवासियों में खुशी की लहर है। कई दशकों से उठ रही इस मांग को कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और जितेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में पूरा किया गया। वाई के निदेशक साहब, आज हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में महाराजा अपने परशुराम साहब का, भगवान परशुराम जी के जो स्थल है उसको पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने का आज घोषणा की गई है। अधिकारियों की टीम हम लोग भेजेंगे, पूरा व्यापक रूप से सर्वेक्षण और उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार होगा, आगे की विकास की परियोजनाएँ स्वीकार की जाएंगी, और साथ ही साथ उसमें बड़े भाई का पूरा सहयोग रहेगा, POD का पूरा सहयोग रहेगा। वहाँ का जो छोटा सकरा सा रास्ता है उसको भी विकसित करने का माननीय POD मंत्री जी के द्वारा प्रयास कराया, बाकी सब संरक्षण माननीय बड़े भाई कराएगा। वित्त के मालिक है, खजाने के मालिक बड़े भाई, सारी मालिक इनकी, लेकिन उसमें लक्सर में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां लक्सर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बीच ने बताया कि उच्च अधिकारियों गणों के आदेश अनुसार लक्सर क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लक्सर कोतवाली अंतर्गत रायसी चौकी क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां शराब बनाने वाले आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे, तो वहीं पुलिस ने 1700 लीटर शराब बरामद की है। लक्सर के सुल्तानपुर में CM पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम रहा, जहां CM धामी सुल्तानपुर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता के बड़े भाई के ब्रह्मभोज में शामिल हुए।
कन्नौज में एक परिवार के 3 लोगों को बदमाशों ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लूटी घटना को अंजाम दिया। बता दें कि सरायवीरा बस अड्डे पर जहर खुरान ने हमदर्द बनकर लूट की घटना को अंजाम दिया। गंभीर हालत में तीनों को जिला अस्पताल हरसेट रेफर किया गया। हमीरपुर में जिलाधिकारी और एसपी सहित पुलिस फोर्स ने रूट मार्च किया, जहां पुलिस के आला अधिकारी सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बता दें कि ईद के त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन ने जनपद में रूट मार्च किया, साथ ही वाहनों की चेकिंग भी की गई और सड़क पर जो दुकानदार अतिक्रमण किए थे उन पर कार्रवाई की गई। गौना में डिप्टी सीएम जयेश पाठक एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ और डीएमएसपी के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए। उसके बाद बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। समर में 2 ट्रकों की आपस में भीषण टक्कर हो गई, जहां हादसे में 1 ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल है। ये पूरा मामला संभल के थाना कैला देवी के गाँव नूरपुर का है। ये भाई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है? दोनों गाड़ी कौन कौन, आपकी गाड़ी कौन सी थी? हमारी गाड़ी ट्रक था। और दूसरे का? उसका भी ट्रक ही है। आमने सामने भिड़ंत हुई है? कितने बजे घटना है लगभग? ये 2:30 बजे करीब तड़के की, रात की मतलब। आपके भाई की क्या स्थिति है? वो एक्सपायर हो चुके हैं। गदरपुर के थाना परिसर में लावारिस वाहनों के निस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें 29 अप्रैल को खुली बोली की जाएगी। वहीं प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र साह ने बताया कि गदरपुर थाना परिसर में 29 अप्रैल को खुली बोली के जरिए लावारिस पड़े वाहनों को विस्तृत किया जाएगा, जिसके लिए 4 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 14 वाहनों की नीलामी किया जाना प्रस्तावित है। जी देखिए, इसमें वर्तमान में जनपद भर में लावारिस वाहनों की के निस्तारण का अभियान श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे थाने के 24 जो लावारिस वाहन हैं, जिसमें 7 चौपहिया वाहन हैं और 17 दुपहिया वाहन हैं, तो इनकी नीलामी की तिथि 29 अप्रैल की नियत की गई है। इसमें कमेटी में हमारे इसमें सीओ महोदय, आरटीओ साहब, एसडीएम साहब और थाने का स्टाफ उपस्थित रहेगा। दिनेशपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022 के तहत नगर पंचायत प्रशासन की ओर से नगर के विभिन्न वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पर्यावरण मित्रों ने वार्ड नंबर 4 में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान वार्ड की गलियों में सड़कों के किनारे उगे घास झाड़ियां आदि की सफाई की गई, वहीं नालियों की सफाई के साथ कीटनाशकों का छिड़काव भी यहाँ पर किया गया है। देखिए, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में। तो इसी के तहत हमें 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उसे सफाई अभियान चलाना है, जिसके तहत सड़कों के किनारे, नदी, तालाब, इसके अलावा नालियों की पूरी तरी झाड़ सफाई, इसके तहत मतलब पूरा स्वच्छता स्वच्छ करना है पूरे शहर को। इसमें हमने अलग अलग आयामों के तहत लोगों को भी जागरूक करना है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे नगर पंचायत में भी पर डे बाई डे ये सफाई अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम लोग सड़क, तालाब, नदी, नाले जो भी हमारे सीमा के अंतर्गत आते हैं उनकी हम विशेष रूप से सफाई अभियान सफाई कर रहे हैं। अमेठी में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रही हैं। मामला पांडेगंज तेंदुआ थाना शुक्ल बाजार का है, जहां पर पीड़ित महिला ने बताया कि दुष्कर्म के मुकदमे से जमानत पर छूटे अपराधी ने जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। गाजियाबाद के अर्चनावेश IIT रुड़के में PhD के लिए सिलेक्शन हुआ है। बता दें कि अर्चनावेश प्रताप विहार के एम ब्लॉक की रहने वाली है और प्रताप विहार के ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं टॉपर रही है। उसके बाद 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स कंप्लीट किया, उसके बाद BHU से मास्टर्स 2018 में कम्प्लीट की, मास्टर्स की डिग्री के बाद CSIR का एग्जाम क्लियर किया। उसके बाद मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ एंड 2016 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर इन मैथमेटिक्स ऑनर्स कंप्लीट किया एंड देन उसके बाद मैं BHU गई, BHU से मैंने मास्टर्स की, मास्टर्स मेरी 2018 में कंप्लीट हो चुकी थी। देन मैंने CSIR का एग्ज़ाम क्लियर किया, गेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। लॉकडाउन की वजह से मेरा थोड़ा सा गैप आया, बट वो गैप मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि उसी गैप में मैंने जितनी मेरी पुरानी पढ़ाई थी पूरी पढ़ाई रिकॉल करी। मेरा IIT रुड़की में PhD में सिलेक्शन हुआ और उसके तुरंत बाद मेरा इसरो में सिलेक्शन हो गया।
कन्नौज में मारपीट में घायल महिला को न्याय दिलाने के लिए ग्रीन गैंग की महिलाओं ने तहसील में धरना दिया। दरअसल 15 अप्रैल को कुछ दबंगों ने एक महिला से मारपिटाई की थी और महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये धरना इस बात का है कि ये हरिहरपुर की जो सरला देवी हैं, इनके गांव का एक लफंगा टाइप का आदमी है जो दारू पीता है, ना उसकी शादी हुई है, आए दिन महिला को छेड़ता रहता है। जब महिला उसकी बात नहीं मानती है तो ये पीटता है। 6 महीना पहले इसको पीटा, इसके बाद में 151 चालान करके पुलिस ने रफा दफा करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी 15 तारीख को इसको फिर बुरी तरीके से अन्नपूर्णा प्रांगण में पानी और पुड़िया लगा के अपना भरण पोषण कर रही, वहाँ गुमटी पे बैठी थी, वहाँ जाकर बुरी तरह पीटा और पीटने के बाद उसने अपने बाप को, अपने माँ को मारा, जाके बाप ने उसके सर में डंडा मार दिया और उसकी खोपड़ी फटी। वो सीधा कप्तान से, कप्तान ने आदेश कर दिया इस महिला पर मुकदमा लगाया जाए। तो हमें न्याय कहाँ मिलेगा? हम ही मारे जाए, हम ही पे फर्जी मुकदमे लगाए जाए, तो हमें न्याय चाहिए। क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पर? आज मेरा यही उद्देश्य है कि महिला पे फर्जी मुकदमा नहीं लगना चाहिए और महिला की पूरी कार्रवाई होकर के साथ उनको जेल भेजना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।